हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू वी फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। मैंने ऑलरेडी चैप्टर 13.1, आज का मेरा वीडियो 13.1 दैट इज स्वयं करो एक्सरसाइज 13.1, ये मैंने आज अपलोड किया है, ठीक है। लेकिन मिस्टर अजय शर्मा को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, सो मैं ये उनके लिए उनका डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। और गाइज, आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि सब तो हमेशा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं हमेशा क्लियर कर पाऊँ डाउट। सो यदि 50-60 ऐसे यदि सब्सक्राइबर मेरे मिल जाते हैं जिनके डाउट क्लियर कर पाऊँ, तो मैं लाइव क्लास दूंगी। ओके, सो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और प्लीज शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी ये मौका मिले सीखने का, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज x² - x - 6 एंड क्वेश्चन नंबर 4 y² + 23y + 102 हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ दिया हुआ है x² - x - 6, यहाँ इसका मतलब 6 का हमें क्या करना है, ये इससे इसका मल्टीप्लीकेशन होता है। यहाँ इतना मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि यहाँ यदि जो भी टर्म रहता है कांस्टेंट रहता है उसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो 1 × x = 1 × 6 = only 6। ओके, तो यहाँ पहले हम 6 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 6 का एलसीएम निकालेंगे, 2 × 3 = 6 होता है। ओके, अब आप लोग देखो कि यहाँ मुझे क्या लाना है, 1 लाना है, तो हमें ऐसा चुनना है इसमें नंबर कि हमारा यहाँ पे 1 है। तो यहाँ आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हो, यदि हम 3 - 2 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x² - यहाँ हम लिखेंगे 3 - 2 × ये वाला x, यहाँ 1 की जगह पे हम लोगों ने 3 - 2 लिखा -6, ठीक है। अब यहाँ x² - 3x - यहाँ प्लस हो गया, सो 2x - 6, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉमन क्या है, x कॉमन है यहाँ पे, तो x - 3 हुआ। और यहाँ से पहले हम लोग ऐसे ही लिख दे रहे हैं x - 3, ठीक है, यहाँ x - 3 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे कि हमारा क्या कॉमन आ रहा है जिससे हमारा x - 3 होगा, तो यहाँ देखो कि 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2x यहाँ हो गया और 2 × 3 = 6, तो यहाँ पूरा टोटल हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ आप लोग देखो कि x - 3 कॉमन है, सो यहाँ x - 3 और ये वाला लास्ट में x + 2 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो होप कि मिस्टर शर्मा का ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ भी उसी तरह 1 × 102, तो पहले हम 102 का यहाँ पे करते हैं एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे, 2 से ले जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, 2 × 5 = 10 एंड 2 × 1 = 2। फिर 3 से ले जाएंगे तो 17 होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या लाना है, 23 लाना है। तो हम देखेंगे कि क्या हम यहाँ एक्चुअली, यहाँ तो माइनस था तो हमें थोड़ा सोचना पड़ा कि यहाँ प्लस माइनस करना पड़ेगा, जहाँ टोटल प्लस रहता है तो उतना ध्यान देना कि बस यहाँ पे सब ऐड ही करना होगा और कुछ नहीं करना होगा, यानी कि यहाँ हम क्या ऐड करेंगे, क्या दोनों नंबर हमारा कौन सा रहेगा जिसको ऐड करेंगे तो हमारा 23 आएगा। तो आप लोग देखो कि यदि हम 17 × 3 दैट इज 51 - 2 हो रहा है, जो कि नहीं हो रहा है। अब यदि हम यहाँ पे 17 और 3 × 2 = 6 ले लेते हैं, ठीक है, 3 × 2 = 6, तो हमारा 23 हो जा रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लेना है, 17 और 6 लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे y² + 17 + 6, ओके, × y, 23 की जगह पे हमने ऐसा लिख दिया। ये मिडिल टर्म फैक्टर है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ y² + 17 × y = 17y + 6y, ओके, यहाँ पे +102,
ओके अब यहाँ देखो वाई कॉमन है तो मैंने वाई निकाल दिया कॉमन, 17 हुआ, और यहाँ से 6 कॉमन निकलेगा तो वाई प्लस 17 ही होगा। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखना कि ये जो हमारा कॉमन है यहाँ भी सेम ही कॉमन आएगा, यदि सेम कॉमन नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग बन रहा है, इतना ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ देखो y प्लस 17, एक दोनों में से एक कॉमन और y प्लस 6 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मिस्टर शर्मा और आप लोग सबसे बोलना चाहती हूँ कि प्लीज यदि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे अच्छा लगा कि आज मिस्टर शर्मा ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, उसी तरह आप लोग प्लीज कमेंट करो कि यदि कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं जरूर कोशिश करूंगी आप लोगों को हेल्प करने के लिए। ओके, और आप लोगों से भी बोलना चाहती हूँ कि बार बार तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं भी बहुत ही बिजी रहती हूँ, मेरा भी एक छोटा बच्चा है। सो गाइज यदि कुछ सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं लाइव क्लास दे दूंगी जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें, यदि कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछें। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, घर में रहें, सेफ रहें, थैंक यू, बाय बाय।